हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं जीए के क्वेश्चंस जो आपकी शिफ्ट वन में पूछे गए थे एसबीआई क्लर्क मेंस में। अब देखो, ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ ना क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके बेकार के लेक्चर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आते नहीं आपके, तो उनको दिखाने के लिए लाया हूँ। देखो, पहली बात तो ये ना, ये चीज हमारे साथ नहीं सभी के साथ हुई है। इस बारी जीए काफी टफ आया था और अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है? तो ये हम नहीं कह रहे, देखो जिन्होंने पेड कोर्स से पढ़ा होगा ना उनके साथ भी ये चीज हुई है, ठीक है? जो पेड लेक्चर्स लेते हैं, पेड कोर्स निकालते हैं, ठीक है, मेंस के लिए आप जीए करो, उनमें से भी कुछ नहीं आया है, ठीक है? ये हमारे साथ नहीं हुआ है, पर हमारे फिर भी 20 तक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? मैं आपको इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन वाइज आपको दिखाता जाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन था आपका एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के ऊपर, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के ऊपर एक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या क्या होता है। तो देखो, अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस की, मैंने आपको बोला था वीडियोस देख लेना, बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस है, आप जाके अभी प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, आईबीपीएस पीओ मेंस। ये देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पूरा डीप में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाके चेक कर लेना, सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? सीएआर, फिर लिवरेज रेशियो, सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है इसमें कि किस किस बेसिस पे एनपीए, किस किस बेसिस पे आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगता है, तो आप एक बार उसको जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे लगा हुआ था, ये भी हमने कवर किया हुआ था, ठीक है? किसमें कवर किया, ये किया था हमने क्वेश्चन सेप्टेम्बर पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 48, और एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की मैंने पूरी वीडियो बनाई थी अलग से, वो भी आप जाके चेक कर लेना, बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोज में होगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वो हमने रिसेंटली अभी मैंने रैंकिंग और इंडेक्सेस की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने कवर किया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कौन बनाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन थे और इंडिया की रैंक कितनी थी, ठीक है? तो ये हमने कवर किया था अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये था ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स, तो मैंने ना रैंकिंग और इंडेक्सेस की वीडियो एक पहले भी बनाई थी, ये आईबीपीएस पीओ के लिए, ठीक है? आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ के लिए मैंने एक वीडियो वो भी बनाई थी, और वो प्लेलिस्ट में ऐड भी, अगर आपने प्लेलिस्ट चेक की होगी तो उसमें ऐड है रैंकिंग एंड इंडेक्सेस पार्ट 1 करके होगी, तो उसमें हमने कवर किया था ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स कौन बनाता है, ये भी कवर किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है और इंडिया की कौन सी टॉप पे है, न्यू दिल्ली, और इसकी वर्ल्ड में कितनी रैंक है, ये भी कवर की थी हमने, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला था हमारा थर्ड एडिशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग, ठीक है? इसमें मैंने देखो सारे ग्रुप वाइज कवर किए थे कि ग्रुप ग्रुप कैटेगरी देखो, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप लीडर एस्परिंग स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट, ठीक है? फिर कैटेगरी ए में कौन कौन है, कैटेगरी बी में कौन कौन है टॉप पे, ये सब मैंने कवर किया था, ठीक है? और ये हमने क्वेश्चन में भी कवर किया, देखो ये था हमारा रैंकिंग एंड इंडेक्सेस पार्ट 1 वाली जो हमारी सीरीज थी उसमें, और ये देखो ये हमने क्वेश्चन में भी कवर किया हुआ था, क्वेश्चन था हमारा जुलाई का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा एग्जैक्ट बता रहे हैं आपको कौन सी वीडियो से कहां से उठाया है, तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अगर किसी ने हमारे ना अक्टूबर मंथ के पूरे एमसीक्यूज देखे होंगे ना, अक्टूबर मंथ के एमसीक्यूज वाली जो सीरीज थी हमारी पूरी, अगर वो देखी होगी तो 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो हमारे अक्टूबर मंथ के ही आए थे, ठीक है? और वो हमने कवर किए भी हैं, आप देखते जाइएगा साथ साथ में। एक था हमारा स्वच्छ भारत मिशन का, ठीक है? उसमें पता नहीं अब मेरे को क्वेश्चन ढंग से मिला नहीं, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा था, किसको अवार्ड मिला था, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा था, यूटी कौन सी थी, सब कवर किया था हमने, कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है ये भी कवर किया हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हैं अक्टूबर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है? आप वीडियो देख लीजिएगा, उसको हमने कवर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था देखो आरबीआई की मंथली पॉलिसीज में, कि शायद बैंक रेट पूछा था, तो बैंक रेट ये हमने कवर किया हुआ था, देखो 6.15 से बढ़ के 6.50 हो गया है, तो कितने का है, 0.35% का, ठीक है? बेसिस पॉइंट 35 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है, यहाँ पर देखो लिखा भी था ये 35 बेसिस पॉइंट्स, तो ये हमने कवर किया है दिसंबर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला था क्वेश्चन आपका हुरुन लिस्ट में शायद रिचेस्ट वुमेन, सेल्फ मेड वुमेन, तो ये भी हमने कवर किया था फाल्गुनी नायर, ठीक है? ये था हमारा अक्टूबर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 33, आप चेक करते रहिएगा साथ साथ में, आप हमारी प्लेलिस्ट खोल के आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? तो ये हमने कवर किया था एमसीक्यू, ये स्टेटमेंट टाइप बनाया था हमने, ठीक है? और इसमें ये देखो एक क्वेश्चन था भी आपका फाल्गुनी नायर वाला, सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन। आगे बढ़ते हैं, जहां तक मेरे को दिख रहा था कि नोबेल प्राइज के शायद 2 क्वेश्चन आए थे, तो दोनों कवर किए थे नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, देखो कौन कौन है, उनकी कंट्रीज भी साथ में लिखी हुई थी, और नोबेल प्राइज किसको किसको मिला था वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में उनकी कंट्रीज भी लिखी है, ये रशिया का था, ये यूक्रेन का था, ये बेलारूस का था, ठीक है? तो ये भी हमने कवर किया था, ये कहाँ कवर किया है, अक्टूबर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 33, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये था क्वेश्चन आपका नेविक की फुल फॉर्म पूछी थी, तो नेविक की फुल फॉर्म ने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये देखिए
और ये शायद यही क्वेश्चन पूछा था कि नैविक में एन स्टैंड फॉर क्या है या सी स्टैंड फॉर क्या है, ठीक है। तो वो हमने कवर किया होता अक्टूबर पार्ट वन क्वेश्चन नंबर 18। देखो अक्टूबर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखते जाना, ठीक है, काउंट करते जाना। और ये हम सब ने ये सारे के सारे क्वेश्चन अक्टूबर मंथली एमसीक्यू सीरीज है उसमें कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। अगला क्वेश्चन था शायद वर्ल्ड बैंक के ऊपर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ मतलब ये 1 बिलियन का लोन शायद ये साइन किया है, सिडबी और वर्ल्ड बैंक ने, ये वाला क्वेश्चन था शायद, ठीक है। फाइनेंशियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो ये हमने अक्टूबर पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 में कवर किया हुआ है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजुकेशन 4.0, ठीक है। तो एजुकेशन 4.0 में शायद वो पूछे थे किस किस का कोलेबोरेशन है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोलेबोरेशन है किस किस के साथ, ए और बी, युवा और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के साथ। तो ये हमने अक्टूबर पार्ट फोर क्वेश्चन नंबर 5 में कवर किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन शायद आपका ये पॉपुलेशन के ऊपर था, इंडिया और चाइना का, ये भी हमने कवर किया था नवंबर पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, कि 8 बिलियन 2023 में होगी, फिर 2030 2050 ये डिटेल आपको सारी दी हुई थी, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 32 नवंबर पार्ट 5, ठीक है, मंथली एमसीक्यू सीरीज में। नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम दी पर्सनैलिटी हो ये प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर फंड्स, ठीक है। तो ये हमने तीनों के नाम दिए हुए थे, देखो कारिया मुंडा, रतन टाटा और केटी थॉमस, तो ये तीनों के नाम दिए हुए थे, ठीक है। और शायद इनमें से एक का नाम पूछा था, कुछ ऐसा था, मेरे को क्वेश्चन ढंग से याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम रिव्यूज ही देख रहे थे, तो रिव्यूज में जो मिल रहा था हम उस हिसाब से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपने पेपर दिया होगा, आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सेप्टेम्बर पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमने कवर किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट था आपका शायद ये स्परबग बैंक के बारे में पूछा था, ये कौन से कंट्रीज का है कि पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे को अब रिव्यूज में तो ऐसे ही दिख रहा था, स्परबग बैंक के बारे में पूछा था, तो ये हमने कवर किया हुआ था। देखो रशिया में है ये, और इसकी डील हुई थी ये वॉस्ट्रो अकाउंट के लिए, तो ये हमने कवर किया था नवंबर पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 16 में, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ का पूछा था कि 2026 में कहाँ होंगे, तो कॉमनवेल्थ देखो 2026 में होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये हमने कवर किया था, एक अलग से कॉमनवेल्थ की एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। ये आपको हमारे ये वीडियो का लिंक, ये देखो ये ऐसे थंबनेल सा होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, शॉर्ट वीडियोज में होगा ये, ठीक है। कॉमनवेल्थ के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, उसमें कवर किया हुआ है कि विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो यही पूछा था शायद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कौन किसके अंडर होता था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये हमने मई पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 41 में कवर किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला था शायद इंटरनल ओम्बड्समैन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मेरे को ढंग से मिला नहीं, तो ये हमने कवर किया था अगस्त पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो देखो ये भी हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कवर की थी सितंबर पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 6 में, और हमने एक बजट वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी थोड़ा इसका जिक्र किया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का, ठीक है। तो हमने दोनों में इसकी बात की है, तो ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमारी सीरीज से आए थे। अब देखो बात यहाँ पे ये होती है ना, आप कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए कि हम अगर 5 वीडियोस निकाल रहे हैं मेंस के लिए, तो जो 50 क्वेश्चन है वो इन 5 वीडियो से ही आए। देखो जो हम मॉक टेस्ट निकालते हैं वो होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी रिवीजन के लिए, देखो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी में से जीए आएगा। देखो लोगों ने तो जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने तो अपने पेड कोर्सेज लॉन्च किए हुए थे कि हाँ जी मेंस के लिए आइए, पेड कोर्सेज लीजिए और आप एक्सेल कर जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे, पर वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए, क्यों, क्योंकि इस बड़ी बड़ी अनएक्सपेक्टेड जीके आई थी, ठीक है। तो आप ऐसे ब्लेम गेम मत कीजिए, देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, मैं SBI में जॉब करता हूँ उसके बाद भी आपके लिए वीडियोज ला रहा हूँ, ठीक है, तो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे प्लीज क्रिटिसाइज मत कीजिए, हाँ हम मानते हैं कि देखो पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पर ऐसा नहीं है कि हमने जो पढ़ाया उसमें से कुछ नहीं आया, ठीक है। अगर आप मंथली एमसीक्यू सीरीज देखते ना, आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है, क्योंकि मंथली एमसीक्यू सीरीज से बहुत सारे आया है। और देखो जो मॉक टेस्ट बनाते हैं उसमें से हम अपनी तरफ से जो हमें लगता है कि अच्छे क्वेश्चन है वो चूज करते हैं, कभी कभी तुक्का भिड़ता है, कभी कभी तुक्का नहीं भिड़ता, ठीक है। IBPS PO में हमारे मॉक टेस्ट से काफी ज्यादा अच्छा वेटेज आया था, ठीक है। इसमें भी SBI वाले में भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं हमारे, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले में से, पर कभी कभी देखो आपके फेवर में नहीं जाती बातें, तो इसलिए प्लीज क्रिटिसाइज मत कीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप 5 दिन में पढ़ के GA में एक्सेल कर जाएंगे, तो वो आप भी गलत हो यहाँ पे, ठीक है। GA एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, वो मतलब ऐसा नहीं होता कि आज आप
पढ़ के सो के उठे और कल आप एक्सपर्ट हो गए। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी इसकी मास्टरी होगी, ठीक है, तब जाके आप इसमें अच्छा स्कोर ला पाओगे। तो इसलिए आप मंथली सीरीज भी देखा कीजिए, ठीक है, पेपर से पहले। उससे क्या होता है, उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आपका कोई सुझाव होगा तो हमारे को इसमें मेल कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक चीज और, जो शिफ्ट 2 है ना, उसके क्वेश्चन को ढंग से मिल नहीं रहे, तो शिफ्ट 2 में जिस इसका पेपर था, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने जीए के क्वेश्चंस शेयर कीजिए, और उसमें भी हम देखते हैं हमारे में से कितने आए हैं। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे।